मथुरा से खबर है, जहां पर विद्या भारती के तत्वाधान में श्री कृष्ण चंद्र गांधी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता 2024 और 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर विनोद अग्रवाल के द्वारा किया गया है। इस कबड्डी प्रतियोगिता में ब्रज प्रांत से 300 छात्र इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता फाइनल दिनांक 25 अगस्त को होगा। जी, सबसे पहले मैं प्रेम शंकर, विद्या भारती ब्रज प्रदेश का प्रमुख हूँ मैं खेल कूद का। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें ब्रज प्रांत के सभी खिलाड़ी विद्या मंदिरों के 36वीं कबड्डी प्रतियोगिता के लिए आए हैं। यहाँ से जो खिलाड़ी विजेता होंगे, वो सारे खिलाड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की प्रतियोगिता जो कि शिकारपुर में आयोजित होगी, वहाँ प्रतिभाग करेंगे। और वहाँ से जीतने के बाद अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। इधर जो प्रतियोगिता हो रही है, ये तीसरे चरण की प्रतियोगिता है। ब्रज प्रांत ने अपनी जो खेलकूद प्रतियोगिता हैं उनको 5 चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण हमारा रतनलाल में हुआ था, जिसमें वॉलीबॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता सभी भैया एंड बहनों की थी। और इसके बाद दूसरा चरण अभी कल समाप्त हुआ है एटा में, जिसमें कबड्डी खो खो प्रतियोगिता थी केवल बहनों की और शतरंज प्रतियोगिता थी। तीसरे चरण की ये प्रतियोगिता है, इसमें पूरे ब्रज प्रांत के भैया जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं वो सहभागिता कर रहे हैं। चौथे चरण की प्रतियोगिता सागंज में होगी और 5वें चरण का एक खेल समारोह, खेलकूद समारोह है, जो फिरोजाबाद में आयोजित होगा। ये जितनी प्रतियोगिताएं मतलब पूर्व में जो आपने बताई है, अभी कितने बच्चे जो राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचे? हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ कि विद्या भारती एक राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान है जो कि SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबद्ध है, उससे मान्यता प्राप्त है। और यहाँ के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी SGFI में सहभागिता करते हैं। और अभी तक कोरोना काल तक 2007 से लेकर के आज तक करीबन 400 पदक विद्या भारती के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं अखिल भारतीय स्तर पर। और इंटरनेशनल प्रतियोगिता जो कि एशियन स्कूल्स की मतलब होती है, उसमें भी विद्या भारती के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। विद्या भारती के ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो एयर इंडिया में जो हॉकी की टीम है, उसमें एक ही विद्यालय के जो श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर है, उसके 6 खिलाड़ी उस टीम में हैं। तो इस तरीके के खिलाड़ी परमेश्वरी देवी धान का है, उसके भी बच्चे जो हैं अपने जूडो में बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्रॉस में बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मथुरा के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय लेवल पर बड़ा अच्छा प्रदर्शन है। तो पूरे राष्ट्र से आए हुए जितने भी विद्या भारती के खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे जैसे हैमर थ्रो में हमारे विद्या भारती के खिलाड़ी ने रजत पद प्राप्त किया था, जो एशियन स्कूल्स गेम मतलब हुए थे उसमें। तो ये इसके बाद जो स्कूल्स गेम फेडरेशन की जो खेल होते हैं, उसके बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है खेलो इंडिया, और वो खेलो इंडिया के माध्यम से एक ओलंपिक की टीम तैयार कराना चाहते हैं। तो ये उनको एक प्लेटफार्म मिलता है, यहाँ के खिलाड़ी उस खेलो इंडिया में भी सिलेक्ट होते हैं और वहाँ पर भी पदक प्राप्त कर रहे हैं। मैं विनय कुमार सिंह, प्रधानाचार्य कृष्ण गांधी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मथुरा। आपके विद्यालय में आज ये कबड्डी प्रतियोगिता हुई, इसको आप क्या कहेंगे? ये कबड्डी प्रतियोगिता, प्रांतीय कबड्डी प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन हो रहा है। ये प्रतियोगिता विद्या भारती ब्रज प्रदेश द्वारा आयोजित की जा रही है। इसमें अपने विद्या भारती के सभी जो ब्रज प्रदेश के संकुलों के भैया यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। अभी तक 26 जो विद्यालयों के प्रतिभागी आ चुके हैं और लगभग 300 छात्र और संरक्षक आचार्य इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। निर्णायक बंधुओं में 12 हमारे निर्णायक और 5 हमारे अतिथि हैं। और ये आज उसका उद्घाटन 23 तारीख को 7:30 बजे हमारे मथुरा वृंदावन नगर निगम के आदरणीय श्री
विनोद जी अग्रवाल महापौर, आपने उसका विधिवत उद्घाटन किया और ये प्रतियोगिता आज उद्घाटन होने के पश्चात कल प्रातः 8:30 बजे से प्रतियोगिता प्रारंभ होगी और पूरे दिन इस प्रतियोगिता का संचालन रहेगा और 25 तारीख को इस प्रतियोगिता का अपराह्न 11 बजे समापन होगा। महापौर साहब, आप विद्यालय आए हुए हैं तो उनकी प्रतियोगिता को लेकर क्या कहेंगे? विद्या भारती के प्रांतीय विद्यालयों के लगभग 500 विद्यार्थियों के प्रांतीय कबड्डी प्रतियोगिता जो आज से अभी से विधिवत प्रारंभ हो गई है और ये लगभग 24 तारीख तक ये आयोजित होगी। ये 36वीं कबड्डी प्रतियोगिता है और विद्याभारती के द्वारा अपने विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास के लिए विद्या के साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी हो, इसके लिए ऐसे कार्यक्रमों का निरंतर आयोजन करती रहती है। और विद्याभारती का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद के साथ, राष्ट्रहित के साथ ऐसे श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना है जो कि भारत को पुनः विश्वगुरु बना सके, आत्मनिर्भर भारत बना सके, विकसित भारत बना सके और एक ऐसा भारत बना सके जिसके मन में राम राज्य की कल्पना हो, जो त्याग की भावना रखते हों, देने में विश्वास रखते हों, लेना नहीं देना जिनका जीवन का लक्ष्य हो, ऐसे श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण विद्याभारती और शिशु शिक्षा समिति के माध्यम से किया जाता है। ऐसे विद्यालयों में आज लाखों विद्यार्थी अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, भारत माता को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। IAS से लेके प्रत्येक क्षेत्र में डॉक्टर, इंजीनियर, आज आप देखेंगे तो पाएंगे कि विद्याभारती के विद्यालयों से पास आउट विद्यार्थी हर क्षेत्र में अपने जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं और खेल के माध्यम से भी हमारा विद्याभारती के ये संस्थान अपने विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और हर क्षेत्र में हमारे इस राष्ट्रवादी संस्थान के विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक आयोजन में मुझे हमारे इस विद्यालय के प्रबंध मंडल ने, प्रधानाचार्य जी ने आमंत्रित किया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे श्रेष्ठ भारत के दर्शन यहाँ हो रहे हैं जिनके आधार पर भारत पुनः आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा, विश्वगुरु भारत बनेगा, ऐसा मैं इन विद्यार्थियों के रूप के चेहरे के रूप में दर्शन कर रहा हूँ। और अपनी शुभकामनाओं के साथ मैंने मुख्य अतिथि का के रूप में मैंने इस कार्यक्रम की घोषणा की और मुझे बहुत खुशी है कि मथुरा में और वह भी श्री कृष्णचंद्र गांधी जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रवाद के लिए समर्पित कर दिया, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, उनकी इस पुण्य भूमि पर मुझे इन विद्यार्थियों को और मुझे आने का अवसर मिला है। ऐसे निवेदन के साथ मैं आने वाले जन्माष्टमी के पर्व पर सभी को मथुरा नगर निगम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि देश में सभी तरफ सुख शांति रहेगी और भारत विकास की अपनी यात्रा को अपने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।